हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आपका दोस्त, आपका मेंटर प्रशांत भारद्वाज आपसे बात कर रहा है। दोस्तों, ये जो क्लास है जो अभी आप सुनने जा रहे हैं, ये मेरी क्लासरूम रिकॉर्डिंग है। स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय मैंने रिकॉर्ड की थी। आप इसमें सीखने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो स्टूडेंट्स अपने अकाउंट्स में स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, 11th में हैं, क्लास 11th में हैं, उनके लिए। और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और वो जानना चाहते हैं कॉमर्स को, अकाउंट्स को, तो उनके लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है ये क्लास बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ये दो तरीके से इसमें है। पहले मैं समझाता हूँ, फिर मैं उसको लिखवाता हूँ। तो जब मैं लिखवाता हूँ तब आप इसे नोट्स में लिख सकते हैं। इस ऑडियो लेसन के पूरा हो जाने के बाद मुझे आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इनमें, इस लेसन में से कौन सी दो मुख्य बातें सीखे, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मुझे समझ में आए आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद कि मैं किन चीज़ों में कामयाब हो पाया और किन पर मुझे आगे क्लास बनानी है। थैंक यू। देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि अकाउंटिंग प्रोसेस पर आप कोई शॉर्ट नोट्स बनाइए, या आपसे कहा जाए कि भाई अकाउंटिंग प्रोसेस को समझाइए, तो आपको क्या करना है? आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए जो डायग्राम होता है, जो हमने आपको दे रखा है, आपको वो माइंड में रहना चाहिए। ज़्यादातर बुक्स में, आईसीआई की किताबों में, 11th 12th की बुक्स में भी आपको ये डायग्राम मिल जाता है। तो इसमें जो स्टेप नंबर वन है वो है आइडेंटिफिकेशन। क्या है आइडेंटिफिकेशन? सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है चुनाव। क्या है चुनाव? भाई शादी जब करते हैं तो पहले लड़का लड़की तो चुनोगे ना। तो जब आप बुक्स में लिखने जा रहे हो तो आइटम तो चुनोगे ना, कौन से आइटम को लिखना है, कौन से आइटम को नहीं लिखना है। ठीक है, तो सिलेक्शन। तो अब पहला जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है, स्टेप नंबर वन जो है, उसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम ट्रांजेक्शन इवेंट्स को। किसको? अब क्या ट्रांजेक्शन होते हैं और क्या इवेंट्स होते हैं? ट्रांजेक्शन वो होते हैं जो बिजनेस में डे टू डे अफेयर्स में होते रहते हैं। क्या? जैसे कि मालिक ने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया, रेंट पेड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पेड कर दी बिजनेस ने, बिजनेस ने कोई लोन ले लिया, बिजनेस ने कोई क्रेडिट में सामान खरीद लिया, बिजनेस ने कोई कैश में सामान बेच दिया, बिजनेस में कोई उधार में सामान बेच दिया, जिस पार्टी से पैसा आना था उसने कुछ दिनों बाद पैसा वापस कर दिया, जिस पार्टी ने पैसा देना था वो पैसा लेकर भाग गया या वो इंसॉल्वेंट हो गया, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये है इवेंट। क्या है? यानी किसी हमारा पैसा कोई मारकर भाग जाए, जिसे हम बैड डेट्स बोलते हैं, तो वो इवेंट है। आग लग गई, गोडाउन में सामान जल गया, ये अपने आप में एक इवेंट है और नुकसान हो गया। तो इसको हम जो है वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसका हम? तो जिसका वैल्यूएशन कर सकते हैं उसको लिखेंगे, जिसको वैल्यूएशन नहीं कर सकते उसको नहीं लिखेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन और कुछ ऐसी इवेंट बताने जा रहा हूं जिसका हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अभी तक मैंने वो एग्जांपल बताए जिनको हम लिख सकते थे, जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते थे। ठीक है जी। तो आइए, ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। फर्म को क्या मिला है? फर्म रिसीव एन ऑर्डर ऑफ रुपीज 1 करोड़ रुपीज। अब ये एक इंफॉर्मेशन है, ये ना तो कोई ट्रांजेक्शन है ना ही कोई इवेंट है। रीजन भाई, ऑर्डर ही तो मिला है। ये मेरे ट्यूशन सेंटर में 5 बच्चे आए और उन्होंने मेरे को कहा कि सर हम कल से पढ़ने आएंगे, तो क्या मेरे को इनकम हो गई? तो इसी तरीके से मैं अगर व्यापारी हूं और मुझे 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, तो क्या मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल गए? क्या वो पक्का ही देगा मेरे को? कब देगा वो मेरे को? जब मैं काम पूरा कर दूंगा। तो इसलिए मैं क्या लिखूं, मैं कुछ लिख ही नहीं सकता इसको। ये खुशी है, लड्डू बांट सकते हो आप इस पे, लेकिन आप इसे अकाउंटेंसी में लिख नहीं पाओगे। और लड्डू जब बांटोगे तो वो ट्रांजेक्शन है, उसकी एंट्री करोगे आप, है ना, पार्टी अकाउंट में, एम्प्लॉई पार्टी अकाउंट, एम्प्लॉई वेलफेयर अकाउंट में। तो यानी सिर्फ ऑर्डर मिलना अपने आप में कोई भी ना तो ट्रांजेक्शन है ना ही इवेंट है। ये ट्रांजेक्शन है, इवेंट है, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल है। कौन सा है? नॉन फाइनेंशियल है। और जितने भी नॉन फाइनेंशियल होते हैं उनको हम मनी में चेंज कर नहीं सकते, तो हम उसे लिखेंगे भी नहीं।
हम उसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई कि नॉन फाइनेंशियल को अगर हम मनी में चेंज कर ही नहीं पाएंगे तो हम उसे लिखेंगे भी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट हो बिजनेस में, कितने ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, ये मैं एक एग्जांपल पेश करता हूं। फर्म में, कंपनी में मालिक का अपने सेल्समैन से झगड़ा हो गया। नाउ दिस डिस्प्यूट बिटवीन द ऑनर एंड द सेल्स पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। क्यों इंपॉर्टेंट इवेंट है जी? क्योंकि भैया जब तुम जिन सेल्स वालों से तुमने झगड़ा कर लिया तो अब वो माल बेचेंगे तुम्हारा? पहले जैसा तो नहीं बेचेंगे। और तनख्वाह किससे लेंगे? तुम्हारी कंपनी से। बेचेंगे माल किसका? थोड़ा सा तुम्हारा, थोड़ा सा किसी और का। इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन आप उसे फाइनेंशियल वैल्यू नहीं बना सकते उसकी, उस झगड़े की कोई कीमत नहीं हो सकती, इसलिए आप उसे लिखेंगे नहीं। तो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ड्यू टू इट्स नॉन फाइनेंशियल नेचर वी कॉन्ट रिकॉर्ड इट, हम उसे लिख नहीं सकते। तो पहला स्टेप क्या बताया जी? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कौन से आइटम जो रिकॉर्ड किए जाएंगे, टू बी रिकॉर्डेड। तो नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड। इसके अंदर क्या लिखना है? देयर आर मैनी ट्रांजेक्शन, देयर आर मैनी इवेंट्स हैपन इन द बिजनेस, दिस कैन बी इन क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज। नंबर वन फाइनेंशियल नेचर, नंबर सेकेंड नॉन फाइनेंशियल नेचर। नॉन फाइनेंशियल नेचर आर नॉट रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल नेचर आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन मॉनिटरी टर्म्स, इन सो द फाइनेंशियल नेचर आइटम्स आर मेजर्ड इन टू मनी, मेजर्ड इन टू उनका मनी में मूल्यांकन होता है एंड देन इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तब इसे बुक्स में लिखा जाता है। तो स्टेप नंबर सेकंड क्या हो गया? रिकॉर्डिंग। क्या हो गया? यानी स्टेप नंबर फर्स्ट में जो आपने आइटम चुने हैं, जिनका आपने निर्णय किया है कि हाँ हमें लिखना है, आप उन्हें स्टेप नंबर सेकंड में रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग किस में करेंगे? बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी होती हैं? देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत सारी हैं, वाउचर्स भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ही हिस्से हैं। तो वाउचर्स हो गए, मेमोज हो गए, जर्नल एंट्रीज हो गई, कैश बुक हो गया, और सब्सिडायरी बुक्स हो गई, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बिल्स पेबल बुक। ठीक है, ये सभी जो मैंने नाम लिए सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। आप ऑडियो सुनकर इसको लिख लीजिएगा। तो इसमें लिखा जाता है, इसमें, और इसे लिखने को ही बोला जाता है रिकॉर्डिंग स्टेप नंबर टू। क्या बोला जाता है? तो स्टेप नंबर टू में आपने क्या लिखना है? आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल इवेंट्स आर मेजर्ड इन टू मनी एंड दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और फिर उसके नीचे आपने लिखना है दीज आर द लिस्ट ऑफ बुक्स। और फिर आप उसके नीचे लिखेंगे नंबर वन वाउचर्स, नंबर सेकंड जर्नल, और फिर उसके बाद जो जो मैंने अकाउंट्स के नाम लिए थे, बुक्स के नाम लिए थे, वो सब, जैसे कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बी आर बुक, बिल्स पेबल बुक, वगैरह वगैरह। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? और ये इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी बुक्स और भी होती हैं, पर ये सारी मेजर बुक्स मैंने लिखवाई आप। और एक लेजर्स। अभी लेजर्स क्या होते हैं? ये रिकॉर्डिंग के बाद तीसरा स्टेप है। क्या है तीसरा स्टेप? क्या है तीसरा स्टेप? है क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन। देखो, आपसे हमने फीस लेनी है। अब पिछले 12 महीने में आपने कितनी फीस दी है ये कैसे मालूम करें? ये मालूम करने के कई सारे रास्ते हैं, जो मैंने अभी अभी रिकॉर्डिंग फंक्शन में जितने बुक्स वगैरह के नाम बताए, अगर मैं उनमें देखूंगा तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन लिख चुके हैं हम। एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सिर्फ आप हो और आपके अलावा कोई ना हो। तो हम क्या करते हैं, एक बार सिर्फ रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उसके बाद हम हर एक पार्टी के, हर आइटम के अलग अलग सेपरेट 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 अकाउंट बनाते चले जाते हैं। कितने अकाउंट बन जाते हैं? हजारों लाखों अकाउंट बन जाते हैं। हर हजारों लाखों अकाउंट अपने आप में एक लेजर अकाउंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आफ्टर रिकॉर्डिंग एवरी इंडिविजुअल अकाउंट इज मेंटेन्ड इन ए लेजर, इन ए विच इज नोन एज टी शेप अकाउंट, जिसे हम टी शेप अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यस, आफ्टर रिकॉर्डिंग टी शेप अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, दीज आर पॉपुलर नोन एज लेजर्स।
ठीक है, और इन लेजर्स में क्या लिखा जाता है, एवरी अकाउंट इज मेंटेन इंडिविजुअली इन दीज लेजर्स। इंडिविजुअली मतलब सबको अलग अलग बनाया जाता है, ठीक है, ताकि हमें इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन जल्दी से मिल सके, सो दैट वी कैन गेट इंफॉर्मेशन इन हरी, वेरी क्विक मूवमेंट फॉर एनी इंडिविजुअल स्पेसिफिक अकाउंट। दिस इज द मेन पर्पज, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल अकाउंट। सो क्यों किया, समझ में आ गया? तो यानी स्टेप नंबर थर्ड हो गया क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण, यानी कि बांट देना। किसमें बांट देना? लेजर्स में बांट देना। ओके, तो स्टेप नंबर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड, स्टेप नंबर टू रिकॉर्डिंग, स्टेप नंबर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इट मींस एवरी अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन अंडर ए लेजर, अंडर ए, एंड देर आर सो मेनी लेजर्स, देर आर सो मेनी, एवरी अकाउंट इज मेंटेन अंडर ए सेपरेट लेजर। यानी राम अकाउंट राम में होगा और रामा अकाउंट, जबकि दोनों में अल्फाबेट्स ए का फर्क है, लेकिन दोनों के कितने अकाउंट बन जाएंगे? एक ही। समझ में आ गया ये बात? तीसरा स्टेप अब सीखने के बाद चौथा होता है समराइजिंग। तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो, सारे साल पढ़ते हो, साल के लास्ट में तुम्हारी क्या बनती है? रिपोर्ट कार्ड। साल में तुमने क्या किया, तुमने प्रॉफिट कमाया, तुमने लॉस कमाया, ये सब तो अकाउंटेंसी में भी ऐसे ही किया जाता है। लास्ट में बनती है समराइजिंग स्टेप। क्या होता है? तो समराइजिंग में हम साल भर की समरी बनाते हैं। क्या सर ये साल भर की समरी बनती है? नहीं, आप इसे 3 महीने की समरी भी बना सकते हैं, 6 महीने की समरी भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर नीड्स इन, तो आपका मैनेजमेंट क्या चाहता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो समरी में सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है कि समरी बनाने से पहले लेजर्स की जांच। क्या होता है? मेरे लेजर गड़बड़ भी तो हो सकते हैं। अरे मैं भी तो इंसान हूं, लेजर में गड़बड़ कर सकता हूं, कोई चीज लिखने से भूल गया, टोटल में गलती कर दी, माइनस में गलती कर दी, तो ये कैसे पता लगेगा मुझे कि मैंने गलती करी है? ये पता चलेगा ट्रायल बैलेंस बनाने से। क्या बनाने से? तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, जब क्रिकेट खेलते हो तो नई पिच होती है, पहली बॉल क्या करते हो? ट्राई बॉल। ट्राई बॉल क्यों करते हो? बॉल का टप्पा सही जा रहा है नहीं जा रहा है, पिच खेलने लायक है नहीं है। अगर अगर पता चला पहली बॉल आपने फेंकी और ढप से डेड बॉल हो गई, वहां दूसरी फेंकी वो भी डेड बॉल हो गई, तो तुम्हें यकीन हो जाता है कि पिच खेलने लायक नहीं है, तुम मैच ही नहीं करते। तो इसलिए लास्ट में समरी बनाने से पहले हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस सही बना, उसका डेबिट का टोटल और उसका क्रेडिट का टोटल बराबर आया, इक्वल आया, तब हम कहते हैं हाँ लेजर अकाउंट बिल्कुल ठीक बने हैं। तब हम आगे समरी बनाते हैं। समरी में क्या बनाते हैं? समरी में हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर और बैलेंस शीट बनाकर। समझ में आ गया? और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आप रिपोर्ट्स में अलग से देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। इट इज योर प्रेजेंटेशन, इट इज योर आर्ट। ठीक है, तो अब मैं इसको कंक्लूड करते हुए कम शब्दों में इसी स्टेप को दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड, स्टेप नंबर टू रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, स्टेप नंबर थ्री क्लासिफिकेशन, स्टेप नंबर फोर समराइजिंग। समराइजिंग में नंबर फर्स्ट ट्रायल बैलेंस, नंबर सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और नंबर लास्ट वेरियस रिपोर्ट्स, की समरी में समराइजिंग में किया जाता है। इसमें अगर डिटेल में आपको हिंदी में इंग्लिश में लिखना हो तो अब मैं वो बोलने जा रहा हूं, क्या लिखोगे? ठीक है, इन द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, माइट बी 3 months, माइट बी 1 year, समराइजेशन वर्क इज डन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड सो दैट एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स कैन बी मेजर्ड, कैन बी चेक्ड, कैन बी वेरीफाइड। एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स इज मेजर्ड, इज वेरीफाइड बाई प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो कोई पेपर में पूछे ट्रायल बैलेंस का क्या काम है, तो आप बताएंगे कि लेजर अकाउंट्स की एक्यूरेसी निकालना। ठीक है, लेजर अकाउंट्स की ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू चेक, इज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। इफ डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ लेजर अकाउंट्स अंडर ए ट्रायल बैलेंस इज मैच्ड, मिल जाता है, देन वी कैन से ऑल लेजर अकाउंट्स आर क्लरिकली एक्यूरेट।
अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल ट्रायल बैलेंस का मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि लेजर अकाउंट्स बिल्कुल मैथमेटिकली एक्यूरेट है, क्लरिकली एक्यूरेट है। मैथमेटिकली मैंने क्यों बोला कि प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं है, रूल्स की गड़बड़ हो सकती है। अब एक एंट्री लिखनी थी, अब भूल ही गए लिखना, ना डेबिट में लिखी ना क्रेडिट में लिखी, तो वो थोड़ी बताएगा। तो जब डेबिट में भी नहीं लिखा क्रेडिट में भी लिखा तो टोटल तो मिल ही जाएगा भाई, डेबिट में लिखने थे 100 रुपए, क्रेडिट में भी 100 रुपए लिखने थे, दोनों जगह भूल गए आप, तो टोटल तो मिल जाएगा ना। तो ये लेजर अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस में मैं आपको बता रहा हूं, जो आगे जाकर हमें पढ़ना पड़ेगा, कि ट्रायल बैलेंस का टोटल मिलने का ये मतलब नहीं है कि कोई गलती नहीं है। ट्रायल बैलेंस के टोटल मिलने का मतलब है कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, भूलने की एरर हो सकती है, भूलने की एरर हो सकती है, प्रिंसिपल एरर भी हो सकती है, जो हम आगे आ जाकर आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आपको इतना लिखना काफी है कि इन समराइजिंग वर्क वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। बस ये सिंगल सेंटेंस लिख देना। नंबर सेकंड, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट इज टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए फर्म ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, एक किसी फर्म का और किसी का पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। समराइजेशन वर्ग यहां पर आपका पूरा होता है और उसके बाद फिर लास्ट में क्या बनाते हैं, इसी समराइजेशन वर्ग में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं हम, एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज, क्या दिखाते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजिशन। क्या बोलते हैं, पेपर में कोई पूछे बैलेंस शीट का क्या पर्पस है, टू शो फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए फर्म, टू शो फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए फर्म, किसकी, साल भर की नहीं, उस दिन की, उस तो ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ये जरूर बोलना है, फाइनेंशियल पोजिशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, याद कर लो, बोलो मेरे साथ, ऑन ए पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट क्या दिखाती है, फाइनेंशियल पोजिशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, समझ में आ गया। तो यहां पर हमारा समराइजेशन वर्क कंप्लीट होता है। तो टोटल प्रोसेस में नंबर फर्स्ट क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट टू बी रिकॉर्डेड, नंबर सेकेंड रिकॉर्डिंग, नंबर थर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर फोर्थ समराइजिंग, और इसके बाद फिर हम वेरियस रिपोर्ट्स बनाते हैं, एनालाइजिंग वर्क करते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में हम क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन टू यूजर्स। तीन वर्ड बोले मैंने, नंबर वन एनालाइजिंग, कॉमा इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है कि उस जो कुछ भी नतीजे आ गए हैं उनका एनालाइज करना। अभी अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, हमने क्या एनालाइज करा कि हमारी टीम संकट में पड़ने के बाद उभर नहीं पा रही, अगर टॉप के तीन बैट्समैन उड़ जाते हैं तो। ये एनालाइजिंग वर्क हुआ, पोस्टमार्टम हुआ ये। तो ऐसे अकाउंटेंसी में भी पोस्टमार्टम होता है, जैसे कि एनालाइजिंग क्या करेंगे कि हमारी कंपनी ने 12 महीने में से शुरू के 3 महीने अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाया, हमारी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनमें से प्रोडक्ट नंबर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करा, जैसे ITC के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बिस्किट भी है आटा भी है, तो हम कहेंगे आटा वाला प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया चला, बिस्किट वाला भी बहुत बढ़िया चला, लेकिन वो जो सिगरेट वाला प्रोडक्ट है, मुझे याद नहीं सिगरेट के नाम, तो वो सिगरेट वाला जो फलाना फलाना प्रोडक्ट है वो सही नहीं चला, उसने हमारी कंपनी को लॉस पहुंचाया। तो दिस इज कॉल्ड एनालाइजिंग वर्क, और उसे हम अपने शब्दों में जब हम उसे लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। अब एनालाइजिंग का जो इंटरप्रिटेशन है, अब क्रिकेट का जो एनालाइजिंग करते हैं उसके बाद इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। हर्षा भोगले अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, सौरभ गांगुली अपने तरफ से इंटरप्रेट करेगा, सचिन तेंदुलकर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। तो इसीलिए बिजनेस के जो हमने एनालाइजिंग करा, अपने जो स्टैटिक्स के हिसाब से हमने जो उसके नतीजे निकाले, जो हम लोगों को समझाना चाहते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन भी हमारा अलग अलग होगा। इट इज ऑल अबाउट आर्ट, ये आर्ट है, कला है, और हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस, हमारी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है। मैं अभी आपको समझा रहा हूं, मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं, समझ में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में अनुवाद करना, ठीक है। और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब जिन लोगों तक पहुंचाना है उनको, उन तक पहुंचाना, कैसे पहुंचाते हैं, क्रिकेट मैच आप तक कैसे आता है, टीवी के द्वारा आता है, रेडियो के द्वारा आता है, ईमेल के द्वारा आता है, वेबसाइट पर पेजेस पर छपा हुआ होता है, अखबार में छपा हुआ होता है, ऑल दीज आर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो जो माध्यम है उन सब की तरह। तो अकाउंट्स की भी कम्युनिकेशन होते हैं, हाँ जी,
आप इसे अपनी वेबसाइट पर लिख सकते हो, आप इसे अपने ऑफिस के जो नोटिस बोर्ड है उस पर छाप सकते हो, आपकी अगर कोई पत्रिका निकलती है, कोई मैगजीन निकलती है तो आप उसमें छापोगे, आप इसके अलावा अपने अखबार में भी छाप सकते हो जो कि छपता है, आप स्टॉक मार्केट की वेबसाइट को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, वो वहां पर भी प्रिंट करेंगे, आप वीडियो भी बनाकर दे सकते हो अपने शेयर होल्डर्स को कि भाई हमारा ये टोटल प्रेजेंटेशन रहा। तो दीज आर कम्युनिकेटिंग। और सरकारें जो विभाग होते हैं गवर्नमेंट को भी आप अपना ट्रेडिंग पेनल सबमिट करते हो, लास्ट में इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हो, दीज आर कम्युनिकेटिंग। तो यहां पर एक वर्ड है यूजर। क्या वर्ड है? यूजर। यूजर का मतलब क्या हुआ? इस्तेमाल करने वाले। कौन इस्तेमाल करने वाले? अकाउंटेंसी के इस्तेमाल करने वाले। अकाउंटेंसी का इस्तेमाल कौन कौन करता है? अकाउंटेंसी का इस्तेमाल दो लोग करते हैं, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। कौन कौन यूज करता है? जैसे क्रिकेट की बात करूं, क्योंकि मैं क्रिकेट के बेस से आपको अकाउंटेंसी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्रिकेट के यूजर कौन है? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन है? खुद क्रिकेट टीम, खुद उनके कोच, खुद उनके जो भी उनके जो असिस्टेंट स्टाफ है वो, खुद बीसीसीआई कमेटी। और एक्सटर्नल यूजर कौन है? हम लोग, एनालिसिस करने वाले, भारत की जनता, स्टैटिक्स के आंकड़े बनाने वाले लोग, इवन गवर्नमेंट भी, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए भैया क्रिकेट का। समझ आ गया? नहीं आ गया। इसके अलावा बाहर के जो बोर्ड है, आईसीआईसीआई वगैरह, वो सब वो भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो यहां पर अकाउंटेंसी में इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो लोग फर्म में, कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि कंपनी के मालिक, कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, एम्प्लॉइज। ये तीन लोग इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। मालिक बोले तो ऑनर, ऑनर शेयर होल्डर भी हो सकता है और प्रोपराइटर भी हो सकता है और पार्टनर भी हो सकता है। मैनेजमेंट जो कंपनी को चलाते हैं, छोटी मोटी कंपनियों में मालिक और चलाने वाले लोग एक ही होते हैं, पर बड़ी कंपनियों में मालिक अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होता है। मैनेजमेंट में बड़ी बड़ी पोस्ट वाले होते हैं, सीईओ होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, एमबीएस, ये लोग होते हैं जो कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ठीक है, ये कंपनी के इंटरनल यूजर। और जो कंपनी में लोग इंप्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, वो भी इंटरनल यूजर्स में ही माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग तभी तो काम कर रहे हैं जब तक उन्हें कंपनी की आंकड़े के बारे में भरोसा है, उन्हें अपनी कंपनी पर भरोसा है इसलिए जॉब कर रहे हैं, उन्हें कंपनी पर भरोसा नहीं है तो जॉब छोड़ देते हैं वो लोग, तो वो इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स में इन तीन के अलावा जितने बचे वो सब एक्सटर्नल यूजर्स हैं। जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्यों है? गवर्नमेंट क्यों यूज करती है अकाउंटिंग? क्योंकि वो तुमसे टैक्स लेना चाहती है, तो वो तुम्हारे अकाउंट्स के खातों को देखकर ये जांच करेगी कि तुमने टैक्स देना है या नहीं देना है और कितना देना है। तुम हालांकि अपने पास से जमा कराते हो, लेकिन गवर्नमेंट ये मानती है तुमने ईमानदारी से जमा कराया होगा, पर अगर गवर्नमेंट को शक होता है तो जांच भी करेगी। इसके अलावा तुम्हारे कस्टमर, तुम्हारे ग्राहक भी अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तुम कभी ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हो जिसकी कंपनी बंद हो गई हो, ये जिसकी कंपनी लॉस में जा रही हो? करेक्ट। तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे साबुन खरीदो, नहाओ और मजे करो। नहीं, तुम्हें साबुन भी उस कंपनी का खरीदना है जो प्रॉफिट में चल रही हो। दिस इज कॉल्ड इमोशनल बिहेवियर। तो कस्टमर भी अकाउंटेंसी में रुचि रखता है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो इसलिए उसे भी मालूम है कौन सी कंपनियों को प्रॉफिट है, किनको मुझे खरीदना है, किनको मुझे यूज नहीं करना, उसका इमोशनल बिहेवियर है। इसके अलावा बहुत से लोग आंकड़े बनाते हैं, रिसर्चर्स, वो लोग भी यूज करते हैं अकाउंटेंसी, उसी के बेस पर वो व्यापार करते हैं। तुमने टीवी टीवी देखा? टीवी में चैनल देखा? आवाज चैनल, एनडीटीवी शेयर मार्केट, वहां पे बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। क्या कहते हैं? ये कंपनी का शेयर खरीद लो, 3 महीने बाद ये इतने का हो जाएगा और आप उसे बेच के तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। और कई बार क्या कहते हैं? ये शेयर मत खरीदो, ये नुकसान में जाने वाला है, 2 महीने बाद इसके साथ ऐसा हो जाएगा। वो कैसे पहुंचते हैं इन आंकड़ों तक? वो स्टैटिक्स, वो अकाउंटेंसी यूज करते हैं, उन आंकड़ों से अपना रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं और फिर उस डिसीजन को लोगों को बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? आप कहोगे सर मैंने तो नहीं खरीदा आज तक। बेटा खरीदा, तुम्हारे घर में टीवी है ना, तुमने आवाज चैनल लगा रखा है ना, एनडीटीवी शेयर देखते हो ना, जी मनी देखते हो ना, तो तुमने खरीदा ही तो है, वो पैसे ही तो दिया तुमने, क्योंकि तुम हर महीने रिचार्ज कराते हो, उस रिचार्ज में उस टीवी चैनल का भी हिस्सा है और वो पैसा उस चैनल तक पहुंचता है, वो चैनल उस पैसे से अपने खर्चे पूरे करता है। और वो जो लोग वहां पर शेयर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उन लोगों को भी उस पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा मिलने वाला है। तो इसलिए ये सूचनाएं भी बाजार में बेची जाती हैं, रिसर्च भी बाजार में बिकते हैं।
और अगर ज्यादा चाहिए तो आप डायरेक्ट उन लोगों की कंपनियों से कॉन्टेक्ट करके उनके मेंबर बन जाते हो, उन सूचनाओं को खरीदते हो। तो दीज आर द यूजर्स, समझ में आ गया। तो यूजर्स बैंक भी होता है, क्योंकि तो बैंक लोन देगा तो पहले आपके अकाउंट के आंकड़े चेक करेगा और उसके बाद आपको लोन देगा, तभी डिसाइड करेगा लोन देना है नहीं देना है, नहीं देना है तो कितना देना है वगैरह वगैरह। मेरी बातें समझ में आ रही है? चलिए, अभी तक मैंने आपको सिर्फ समझाया, अब लिखवाने वाली बात करता हूं। नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन इवेंट टू बी रिकॉर्डेड, जो हम बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं। नंबर दो, रिकॉर्डिंग, बता भी चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं। नंबर थर्ड, आपको क्लासिफिकेशन, ये भी मैं आपको बता भी चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, रिकॉर्ड भी करवा चुका हूँ, समराइजिंग भी करवा चुका हूँ। लास्ट का स्टेप है जिसमें मैंने बोला एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। इसमें आपने क्या लिखना है? इसमें आपने लिखना है कि द फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। इन पर क्या बनाई जाती है? रिसर्च, एनालाइज। तो हम इस पर लिखेंगे फाइनल अकाउंट्स इज एनालाइज्ड, फाइनल अकाउंट इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड बाय द वेरियस ग्रुप्स, बाय द वेरियस नॉलेजेबल ग्रुप्स, बाय इंटरनल मैनेजमेंट, बाय चार्टेड अकाउंटेंट, बाय कंपनी सेक्रेटरी, कम शब्दों में बोले तो बाय एक्सपर्ट, ठीक है। एंड दीज रिपोर्ट्स, दीज कौन सी रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई है, एंड दीज रिपोर्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, आर कम्युनिकेटेड टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। दीज रिपोर्ट्स आर कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? बस इतना लिख दीजिए, इतना काफी रहेगा। हिंदी में बता सकते हैं कि फाइनेंशियल जो अंतिम खाते बनाए जाते हैं उनको जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और वो रिपोर्ट जो अकाउंटिंग के जो प्रयोगकर्ता होते हैं, यूजर्स होते हैं, उन तक संप्रेषित, कम्युनिकेट किया जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। मैं समझता हूं कि मैं आपको समझा पाने में और लिखवा पाने में कामयाब रहा होगा। बाकी क्योंकि पूरा लेक्चर चल रहा है, दोनों चीजें चल रही हैं, लिखवाना और बोलना, तो जब आप लिखोगे तो अपने हिसाब से अरेंज भी कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टाटा, प्रशांत भारद्वाज आपसे विदा लेते हैं। तो जब मैं लिखवाता हूं तब आप इसे नोट्स में लिख सकते हैं। इस ऑडियो लेसन के पूरा हो जाने के बाद मुझे आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इनमें, इस लेसन में से कौन सी दो मुख्य बातें सीखे, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मुझे समझ में आए आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद कि मैं किन चीज़ों में कामयाब हो पाया और किन पर मुझे आगे क्लास बनानी है। थैंक यू।